नाम तो लो। देव देखा समुंदर देवता धन्यवाद। हमेशा मेरी राधिका को ऐसे ही तंग करते रहना ताकि वो हमेशा मेरे गले यूं ही आकर लगती रहे। What was this? Maria special, divine pleasure. Yeah, but what? Fanny. Fanny? मतलब काजू की शर्म? थैंक यू। मजा आया? द ड्रिंक वॉज नाइस। नाइस नाइस। थैंक यू। राधिका Oh,
जरा सा झूम। जरा सा झूम लूं मैं। मैडम मेरी टोपी मैडम। हाँ? टोपी मैडम। हाँ? टोपी। क्षमा कर दीजिए। जरा सा झूम लूं मैं और नारे नारे ना। जरा सा झूम लूं मैं नारे नारे। जरा सा झूम लूं मैं। क्षमा कीजिए। क्षमा कर दीजिए। इट्स ओके। जरा सा झूम लूं मैं ना ना ना। जरा सा झूम लूं मैं। यह हमारा कमरा नहीं है। नहीं राधिका, यह हमारा ही कमरा है। इसमें इतनी सजावट क्यों है? मैंने करवाई। आपने करवाई? अच्छा फिर ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे बहुत नींद आई है। राधिका सोना मत, आज की रात का हमने बहुत दिनों से इंतजार किया ना, तो सोना मत। राधिका देखो, अगर तुम ऐसे सोओगी ना तो मुझे भी नींद आ जाएगी ना, सोने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। तो आज नया मैं तुम्हें सोने दूंगा और ना ही मैं सोऊंगा, ठीक है? हाँ राधिका, कब से हो गई? अब 12:15 हुए। क्या 12:15 हो गए और मैं अभी तक सोई रही? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तुम अकेली नहीं सोई थी, हम दोनों यहाँ सोए थे। मैं भी बस अभी अभी उठा। क्यों, पहली बार ऐसा हुआ है? मैं पहली बार तो बहुत कुछ हुआ है राधिका जी। हमने पहली बार मदिरा पान किया है। जी, ये आप क्या कह रहे? हम दोनों जो वो पवित्र आनंद समझकर जो फलों का रस पी रहे थे ना, वो काजू की शराब थी। फिर थोड़ा तुम बहकी, थोड़ा मैं बहका, फिर हम दोनों लड़खड़ाते हुए इस होटल में आए, फिर तुम बेहोश हो गई और फिर मैं बेहोश हो गया। कितना मजा आएगा ना राधिका, जब मेरी दादी माँ और तुम्हारे बाबूजी को ये बात पता चलेगी। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, मुझे तो वैसे भी सोच सोच कर रोना आ रहा है, शर्म के मारे मेरा तो सर झुका जा रहा है। राधिका इसमें रोना क्यों आ रहा है? देखो राधिका, जो हुआ गलती से हुआ, हम भगवान से माफी मांग लेंगे ना। लेकिन मैं माफी किस मुंह से मांगू, मैं तो उन्हें अपनी सूरत दिखाने लायक भी नहीं रही। देखो राधिका, तुम दुखी मत हो, भगवान तुमसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वो जानते हैं तुमसे गलती नहीं हुई है, एक धोखा हुआ। नहीं, मुझे इसके लिए कोई ना कोई प्रायश्चित ढूंढना ही होगा, अब चलिए ना मेरे साथ। अरे राधिका, प्रायश्चित करने से अच्छा हम दोनों पुण्य ना कमा लें।
करने जा रही हूँ, आप देर मत कीजिएगा। अरे अरे बिरजू जल्दी से डायरी ला। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है तू? अब लिस्ट बनाने का कोई फायदा नहीं है। अरे माँ जी ने जन्मदिन मनाने से मना कर दिया है। पर क्यों माँ? क्यों क्या? तो देव और छोटी बहू जो नहीं है यहाँ पर, पहले तो उन्होंने खुद ही भेज दिया उन्हें, और अब सबसे ज्यादा मिस कर रही हैं उन्हें। उनका तो किसी चीज मन ही नहीं लग रहा है। तब तो उनकी बर्थडे पार्टी करना और भी ज्यादा जरूरी है। एक काम करते, उन्हें बताएंगे नहीं, सरप्राइज देंगे उन्हें। सरप्राइज? फिर से सरप्राइज? तू ऐसे क्यों चौंक रहा है? तू और राधिका मिलकर भी तो दादी माँ को सरप्राइज देने वाले थे ना? हाँ हम। हम लोग तो कर ही रहे थे ना। अरे मृणाली अच्छा हुआ तुम आ गई। सुनो तुम भी अपनी लिस्ट बनाकर मुझे दे देना, अब ज्यादा वक्त नहीं है, सबको पर्सनली फोन करके इनवाइट करना पड़ेगा। माँ क्या बातें हो रही हैं? वो ये कुछ कह रहा था, बोलना। मैं नहीं दादी माँ, हम लोग ऐसे ही कह रहे थे कि देव और राधिका तो यहाँ पर है नहीं, तो आपकी बर्थडे पार्टी मनाकर भी हम लोग क्या करेंगे। बिल्कुल सही सोचा तुमने, अब तो पार्टी तभी होगी जब वो दोनों यहाँ आ जाएंगे, या फिर जब वो मुझे परदादी होने की खुशखबरी देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दादी माँ। क्यों माँ? हाँ माँ जी आप जरा चलिए ना मेरे साथ, वो पूजा के नए वस्त्र आए हैं ना, वो ही दिखाना है आपको। मैं देखूं? हाँ हाँ चलिए ना, एक बार आप देख लीजिए। चलो चलो चलो, अब जल्दी से मुझे सरप्राइज पार्टी के आइडियाज बताओ। मृणालिनी तुम्हें कुछ सरप्राइज पार्टी के लिए आइडिया पता है? विवेक प्लीज मुझे इन सरप्राइज से दूर ही रखो। वैसे भी इस घर में बिना बोले ही हर पार्टी में कोई ना कोई सरप्राइज तो मिल ही जाता है, जैसे पिछली पार्टी में मिला था। इसलिए जब तक मैं पिछली पार्टी के सरप्राइज के शौक से बाहर नहीं आ जाती, प्लीज मुझे तो सरप्राइज मत ही दें। या दिस इज देवराज पुरोहित, मैं रूम नंबर 227 में ठहरा हूँ। मैंने जो कमरा सजाने के लिए कहा था वो काम हो क्या? सर काम चालू है, 7-8 बजे तक हो जाएगा। ओके थैंक्स। क्या देख रही हूं राधिका? तुम बेवजह प्रायश्चित करने की वजह ढूंढ रही हो। तुम्हारे जो भगवान हैं, जो ऊपर बैठे हैं, उन्हें पता है कि तुमने गलती नहीं की है, जो कुछ होना था वो हो गया। और तुम्हारे मन में तो भगवान बसते हैं ना, और जिसके मन में भगवान बसते हैं वो तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। से मैं अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रही हूं काना, मन में किसी तरह का बोझ लेकर मैं ये यात्रा शुरू नहीं कर सकती। मुझे मेरे हर झूठ से मुक्ति दे दो भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं निर्भीक होकर अपने पति को सारा सच बता सकूं। इससे पहले भी मैंने कई बार उन्हें सच बताने की कोशिश की है, पर परिस्थितियों ने मेरा साथ नहीं दिया। और मेरे सच के बीच किसी दीवार को मत आने देना काना, मत आने देना। आपने मुझे सब कुछ दे दिया है काना, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही मांगता हूं कि मुझे कभी मेरी राधिका से दूर मत करना।
हमारे बीच जो ये प्यार है ना, इसे कभी कम मत होने देना। जी एक बात कहें आपसे, वो जब हम आगरा में थे ना अपने घर में, वहां पीने में मजा आता था, ऐसे छुपते छुपाते नहीं पीना पड़ता था ना। कोठी से हवेली में आए हो, अब इतना तक कुर्बानी देना पड़ेगा बेटा। बढ़िया कहें बाबूजी। तो मृणालिनी भाभी है। क्या बड़ी बहू, अरे बता के तो आना चाहिए ना। हाँ, छलक जाती तब विदेशी रस का अपमान हो जाता। अब नहीं नहीं, भाभी की गलती नहीं है, हमारी गलती है। वो पीने से पहले दरवाजा बंद करना चाहिए था ना, भूल गए थे। कब दरवाजा बंद कर लेना था? ग्रेट, सुपर, माइंड ब्लोइंग। नीचे तो अभी पार्टी की बातें हो रही हैं और यहाँ आप लोगों की पार्टी शुरू भी हो गई। लेकिन मैं जो चीख चीख कर आपको बताना चाहती हूँ, उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं। क्या बताना चाहती हो बड़ी बहू, और क्यों बताना चाहती हो भाई? सिर्फ बताना नहीं चाहती हूँ चाचा जी, इस बार सबूत साथ लाई हूँ दिखाने। कपड़े, ये क्या है? ये उस बात का सबूत है कि मैं उस दिन जो कह रही थी वो सच था। बड़े बहू, पहले तो ये बताओ कि तुम क्या कह रही थी उस दिन, भाई हमको याद नहीं। सही है चाचा जी, बिल्कुल सही। आपको क्यों याद हो? आप तो अपने दो चार बैग में खुश हैं। वो जो बड़े बड़े सपने आपने देखे थे, वो भी लगता है इन्हीं में खोल कर पी गए। बड़े बाबू, काम की बात करो। हा? यही तो है काम की बात चाचा जी। लुगाई का कपड़ा काम की बात है? जी हाँ, ये कपड़े मुझे स्टोर रूम में मिले। किसी ने एक जगह पर छुपा के रखे थे। मैं सोच ही रही थी कि ये कपड़े हो किसके सकते हैं, तभी मुझे ये मिले। ये देखो, खुद देखो और दिखाओ अपने बाबूजी को। अरे बाबूजी, सेम है एकदम। एग्जैक्टली। ये देखिए, उस दिन की पार्टी में डांसर्स यही कपड़े पहने हुए थे और मैंने उस डांसर को देखा था। वो चोरी छुपे ऊपर जा रही थी तो मैंने उसे रोका। तो पता बीच में कौन है? राधिका। और उसे अपने साथ ऊपर लेकर चली गई। और उसके बाद ये कपड़े मुझे स्टोर रूम से। और उसे मैंने बताया था ना कि मैंने खुद अपनी आंखों से बिरजू को स्टोर रूम से टिफिन लेकर निकलते हुए देखा, किसी को खाना खिला। हाँ बाबूजी, मृणाली भाभी बताई थी। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि उस दिन राधिका ने डांसर को स्टोर रूम में छुपाया था, है ना? Exactly. डांसर को स्टोर रूम में क्यों छुपाएगा कोई, अब है ना भाभी? अगर ये भी मैं ही बताऊंगी तो तुम लोग क्या पता लगाओगे? कुछ तो पता लगाने की कोशिश करो। अरे क्या होगा उससे पता लगा के? उससे होगा ये चाचा जी कि हमें एक और वजह मिलेगी उस राधिका को इस घर से निकालने की। और प्लीज प्लीज इस बार मेरी बातों को नजरअंदाज मत कीजिए, नहीं तो एक बार फिर हमारी हार होगी और उस कान्हा भक्त राधिका की जीत।